हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम क्लास सिक्स का जो सब्जेक्ट एसएस है उसका लेसन नाइन व्यापारी राजा और तीर्थयात्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने उसका फर्स्ट पार्ट कर दिया था, ये सेकंड पार्ट है। अब हम उसके जो मुख्य पहुँच रहे थे उनके बारे में बात करते हैं। देखो, बोधिसत्व क्या होता है कि जो व्यक्ति ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में एकांतवास, मतलब बिल्कुल अकेले रहकर जो साधना करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं ना, उसको बोधिसत्व कहा गया है। ठीक है, नंबर दो, बुद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार, अब हमें ये देखना है कि ये जो बौद्ध धर्म है इसका विदेशों में किन किन विदेशों में प्रसार किया गया था। ठीक है, मतलब उनकी जो सीख थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, उनको किन किन देशों में बताया गया था, इन लोगों को समझाया गया था, लोगों तक बुद्ध की शिक्षा किन किन देशों में पहुंचाई गई थी, उसके लिए है, उसको कहते हैं प्रसार। ठीक है, अब देखिए यहाँ है, मतलब बौद्ध धर्म जो दक्षिण पूर्व है ना, दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब जैसे कि ये हमारा पश्चिम है, ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, तो नीचे दक्षिण और इधर पूर्व, इस साइड की ओर जितने भी देश थे उनके लिए। ठीक है, उनमें कौन कौन से थे, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया, और उत्तर दिशा में नेपाल, चीन, भूटान आदि देशों में इसका प्रसार किया गया था। किसका? बुद्ध धर्म का, मतलब बुद्ध की जो भी शिक्षाएं थी वो क्या मानते थे कि हमें एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, सत्य क्या है, ये इन सब के बारे में जो बातें थी वो वहाँ के लोगों को बताई गई, उनको जागरूक किया गया, यही उस बौद्ध धर्म का प्रसार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, तो अब तीसरा पॉइंट है, भारत में आए चीनी यात्री, कि भारत में कौन कौन चीनी यात्री आए थे, कब कब आए थे। ठीक है, सबसे पहला है पाशीन, जो कि 1600 साल पहले भारत में आए थे। दूसरा है दशाम, जो कि 1400 साल पहले भारत में आया था। उसके बाद आया था इनसिंह, जो कि इसके 50 साल बाद आया था, मतलब 1350 वर्ष पहले आया था वो भारत में। ठीक है, ये भारत में आए थे। जैसे सभी आते हैं भारत में कुछ ना कुछ जानने के लिए, देखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो ये भारत में आए थे। बौद्ध धर्म के जो मठ बने हुए थे ना, बौद्ध धर्म के जो मठ थे, उन मठों को देखने के लिए भारत में आए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, देखने के बाद जो ये वाला यात्री था श्याम, जो 1400 साल पहले आया था, जब ये भारत से वापस गया, तो ये अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर गया था। क्या क्या लेकर गया था, ये भारत से अपने साथ सोना, चांदी, ठीक है, चंदन की लकड़ी से बनी मूर्तियाँ, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी, और ये मतलब 600 से ज़्यादा पांडुलिपि लेकर गया था, और ये 20 घोड़ों पर, ये इतना सामान ले गया था जो कि 20 घोड़ों पर लाद कर ले जाया जा सकता है। ठीक है, ये चीनी यात्री लेकर गया था, ये चीनी यात्री इतना सामान लेकर। अब आती है भक्ति, भक्ति क्या होती है, देखो भक्ति होती है जैसे जो हमारे इष्ट देव के प्रति जो लगाव होता है ना, भगवान के प्रति जो लगाव होता है, जो हमारी भावना होती है, उसको हम भक्ति कहते हैं। ठीक है, उसको हम भक्ति कहते हैं। भक्ति जो है वो भज सबसे बना है, किससे बना है, भज सबसे बना है, और जिसका मतलब होता है विभाजित या हिस्सेदारी। क्या मतलब होता है विभाजित या हिस्सेदारी, मतलब इसका ये अर्थ यह है कि जो भक्ति, भगवान और भक्त के बीच का एक अंतरंग संबंध है, एक ऐसा संबंध है जो सिर्फ भगवान और भक्त के बीच वो ही समझ पाता है कि मेरा और मेरे भगवान का क्या संबंध है। ठीक है, तो ये क्या हो गया भक्ति। बात करते हैं ईसाई धर्म की, ईसाई धर्म देखो आपने और भी धर्म पढ़े होंगे, जैसे हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म है ना, मुस्लिम धर्म, इसी प्रकार से ईसाई धर्म होता है जिसको हम क्रिश्चियन लोग मानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और इसका जो लगभग उदय है वो 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया जो इस ईसाई जो है ना, वहाँ हुआ था ईसाई धर्म का उदय। ठीक है, और ईसा मसीह ने इस धर्म की स्थापना की थी। ईसा मसीह दूसरों के दुख को कम करने के लिए वो खुद उन्होंने अपने प्राण की आहुति दे दी थी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार की धरती होती है, उसके ऊपर ईसा मसीह को बांध दिया जाता है।
सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, इसके सभी पॉइंट। और मैं ऐसा करती हूँ कि आप इनको ध्यान में रखते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।